नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम उड़द की खेती के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे उड़द की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी, बीज दर, उन्नत किस्में, तापमान तथा खेत की तैयारी से लेकर फसल कटाई और उपज तक की संपूर्ण जानकारी। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। तो उड़द की खेती के लिए आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों तापमान की। तो उड़द की खेती के लिए सर्वोत्तम तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना गया है। इस तापमान में आप उड़द की खेती कर सकते हैं। उड़द की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बीज दर की। तो प्रति एकड़ उड़द की अच्छी पैदावार के लिए 6 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करें मुख्य बिंदु उड़द की उन्नत किस्मों की। तो किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने उड़द की कुछ उन्नतशील किस्में बताई हैं, आप उन किस्मों को बोकर भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किस्में मैं आपको इस वीडियो में फिर बता रहा हूं, जो जवाहर उड़द, आज़ाद उड़द, मास 114, मास 479, T9, आप इन किस्मों की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र में प्रचलित किस्म का भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है किसान भाइयों खेत तैयार करने का। तो उड़द की बुवाई करने के लिए पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और इसके बाद उड़द की बुवाई करके 1 बार रोटावेटर से अच्छी तरह मिला दीजिए। बात की जाए उड़द की बुवाई के समय की, तो उड़द की बुवाई यदि आप गर्मी के समय में करते हैं तो आप फरवरी मार्च में उड़द की बुवाई कर लें। यदि आप बरसात के मौसम में उड़द की बुवाई करना चाहते हैं तो आप जुलाई और अगस्त माह में आप अपनी उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है किसान भाइयों फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। किसान भाइयों, क्योंकि उड़द एक दलहनी फसल है तो इसके लिए नाइट्रोजन की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में फिक्सेशन करते हैं। पौधे की शुरुआती अवस्था में जब तक जड़ों में ये जीवाणु क्रियाशील नहीं हो पाते हैं किसान भाइयों, तब तक के लिए आप 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम पोटाश तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से आप अपनी उड़द की फसल में लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई की। तो उड़द की खेती में किसान भाइयों सामान्यतः बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा का अभाव हो तो आप 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बात की जाए उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण की। तो उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप इमेजाथाइपर 10% SL की 400 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बारी आती है उड़द की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण की। तो पहले हम बात कर लेते हैं रोग नियंत्रण के बारे में। तो उड़द की फसल में मुख्य रूप से येलो मोजैक वायरस, लीफ स्पॉट एंड लीफ कर्ल रोग मुख्य रूप से आते हैं। तो येलो मोजैक वायरस का जो मुख्य वाहक है, यानी येलो मोजैक वायरस के जो फैलने का कारक है, वो वाइट फ्लाई है। तो आप वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए एसीटामीप्रेट 20% SP की 100 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। लीप स्पॉट रोग की बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए आप एसीफेट 75% का घोल बनाकर अपनी फसल पर आप छिड़काव करें। लीफ कर्ल एक फफूंद जनित रोग है, तो इसके लिए आप कार्बेंडाजिम नामक फंजीसाइड का छिड़काव अपनी उड़द की फसल में कर सकते हैं। बात करें किसान भाइयों उड़द की फसल में कीट नियंत्रण की। तो उड़द की फसल में फली छेदक, सफ़ेद मक्की, एफिड आदि कीटों का अटैक होता है। इन सभी के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% प्लस एसीटामीप्रेट 20% और इसके साथ साइफरमेथ्रिन का अलग अलग घोल बनाकर अपनी उड़द की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद बारी आती है फसल कटाई की।
तो उड़द की फसल लगभग 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब हमारी फसल में लगभग 70 से 80% फलियाँ पककर तैयार हो जाएं, तब हमें अपनी फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। बात की जाए उड़द की फसल की उपज की, तो प्रति हेक्टेयर लगभग 10 से 15 कुंटल तक उपज हमें अपनी उड़द की फसल से प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।